हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्दन में होने वाले दर्द यानी कि सर्वाइकल पेन के बारे में और टॉप 5 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसके मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में नेक पेन के इलाज में सबसे बेहतरीन रिजल्ट देखे हैं। दोस्तों, सर्वाइकल पेन को समझने से पहले हम नेक की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, गर्दन की वजह से ही हमारा स्कल यानी जो हेड है उसको हम मूव करा सकते हैं जिधर चाहें। गर्दन ही हमारे हेड को एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, साथ ही साथ हमारे हेड का जो पूरा वेट है वो गर्दन के ऊपर ही होता है, यही पूरे वेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों, हमारी गर्दन की स्ट्रक्चर में 3 चीजें सबसे मेन होती हैं। पहली होती है वर्टिब्रल बोन जो हमारी गर्दन को एक स्ट्रक्चर देती है। दूसरी होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कुशन यानी गद्दी की तरह होती है जो गर्दन को एक फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करती है। और तीसरी है मसल, टेंडन और लिगामेंट जो गर्दन को एक सपोर्ट देती है, मतलब हमारे गर्दन के लिए एक पिलर की तरह काम करती है जिसकी वजह से हम जब और जैसे चाहें गर्दन को मूव और होल्ड कर सकते हैं। जब इन तीनों में से किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन या कोई चेंज आ जाता है तो हमें गर्दन में दर्द यानी सर्वाइकल पेन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हम सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप के इतने आदि हो गए हैं कि हमें बहुत ज्यादा समय इन पर बिताना पड़ता है और हम घंटों घंटों एक ही पोस्चर में बैठकर काम करते रहते हैं या मोबाइल्स में गेम खेलते रहते हैं। और हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है जिसकी वजह से जाने अनजाने में एक ही मसल पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक हम उस मसल का ओवर यूज कर लेते हैं, तो हमें क्रोनिक जो इन्फ्लामेशन है वो उस मसल की होना शुरू हो जाती है जिसको हम RSD यानी कि रिपीटेटिव स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। गर्दन में दर्द होने का एक और भी मुख्य कारण है, वो है सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस। हमारी गर्दन में 7 वर्टिब्राज होती है, C1-C7, और दोनों वर्टिब्रा के बीच एक डिस्क होती है जिसको हम इंटर वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ डिस्क में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और यह डिस्क धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाती है जिसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्क बोलते हैं। जैसे जैसे डिस्क सूखती है और उसके बीच का फ्लूइड कम होता है तो वर्टिब्रा के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से वर्टिब्रास आपस में रगड़ खाने लगती है और हमारी जो गर्दन है उसके अंदर जकड़न, दर्द और सूजन आनी शुरू हो जाती है। यह दर्द हमारी गर्दन से बाजू तक आ जाता है और कभी कभी पूरे हाथ में और उंगलियों तक भी रेडिएट हो जाता है। इस कंडीशन को हम सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस बोलते हैं। पहले यह समस्या हमें ओल्ड एज में यानी कि 50-60 साल की उम्र में हमें देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से यह समस्या यंग एज में ही हमें देखने को मिल जाती है। कई बार दोस्तों डिस्क हार्निएशन, डिस्क रप्चर होने की वजह से भी जो डिस्क का कुछ पोर्शन है वो बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से जो स्पाइनल नर्व्स वहां से निकलती हैं उनकी उसके ऊपर ये कंप्रेशन डालता है। इसकी वजह से बाजू और हाथ की उंगलियों में दर्द और सुनपन होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथी दवाओं के बारे जो आपके नेक पेन में यानी कि जो सर्वाइकल पेन है उसके अंदर काफी राहत दे सकती है और सर्वाइकल के पेन को परमानेंटली क्योर कर सकती है। दोस्तों, पहली दवा है RUX-TOX-30। इस दवा का कीनोट सिम्टम है मॉर्निंग स्टिफनेस। दोस्तों, जब आप 7-8 घंटे एक ही पोस्चर में लगातार लेटे रहते हैं और उसके बाद 7-8 घंटे की एक नींद के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो गर्दन में जकड़न आ जाती है, गर्दन को मूव करने में काफी दिक्कत आती है, लेकिन जब जैसे ही धीरे धीरे आप गर्दन को मूव करना शुरू करते हैं तो यह दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और दिन में आपको इतना फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप 7-8 घंटे का रेस्ट करके वापस जब उठते हैं मॉर्निंग में तो फिर यही जकड़न आपको दोबारा महसूस होती है। तो अगर यह लक्षण आपके अंदर है तो आप RUX-TOX-30 में 10 से लेकर 15 दिनों तक किसी डॉक्टर की सलाह से आप इस दवा को ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी दवा है BRINIA-ALBA-30। इस दवा के लक्षण RUX-TOX से बिल्कुल अपोजिट है। यह दवा तब दी जाती है जब आपको रेस्ट करने से आराम मिलता हो और काम करने से आपकी दिक्कत बढ़ जाए। हालांकि RUX-TOX में इसका अपोजिट है, RUX-TOX में काम करने से दिक्कत में आराम लगता है और रेस्ट करने से बढ़ जाती है। अगर इस तरह के लक्षण आपके अंदर है तो आप BRINIA-ALBA को 30 में ले सकते हैं। तीसरी दवा है दोस्तों GUAICAM-30। इस दवा का मेन इंडिकेटिंग सिम्टम है कि अगर आपका दर्द जो गर्दन का दर्द है वो हेड की तरफ रेडिएट हो और यही पेन आपके दोनों साइड कंधों तक आए। अगर यही सेम लक्षण आपको आपके अंदर मिलता है तो आप GUAICAM को 30 में ले सकते हैं।
अगर आप इसी मेन सिम्टम पे इस दवा को लेंगे तो यह दवा 100% आपके सर्वाइकल के जो पेन है सर्वाइकल का उसको 100% खत्म कर देगी। अगली दवा है दोस्तों कैल्मिया लेटिकुलिया 30। यह दवा तब इंडिकेट होती है जब आपकी डिस्क का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि डिस्क में हार्निएशन होने की वजह से या डिस्क रप्चर होने की वजह से जब भी डिस्क बाहर की तरफ निकलती है तो यह जो भी नर्व्स इसके आसपास निकलती है स्पाइनल कोर्ड से उस नर्व के ऊपर ये दबाव डालती है। इसकी वजह से हमारे गर्दन में दर्द या यही गर्दन का दर्द बाजू और उंगलियों तक आ जाता है और साथ ही साथ उंगलियों में और बाजू में हाथों में सुन्नपन होने लगती है। अगर यह लक्षण आपके अंदर है तो आप कैल्मिया लेटिकुलिया को 30 पाउड में ले सकते हैं। दोस्तों अगली और फाइनल दवा है लैकेंथिस 30। यह दवा दोस्तों तब दी जाती है जब आपके गर्दन में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आए, बहुत ज्यादा जकड़न हो जाए, इवन आप अपनी गर्दन को मूव भी ना कर पाओ और मूव करने में भी आपको बहुत ज्यादा पेन हो। अगर इतनी ज्यादा स्टिफनेस, इतनी ज्यादा जकड़न आपकी गर्दन के अंदर है तो आप लैकेंथिस को 30 पाउड में ले सकते हैं। दोस्तों यह थी कुछ टॉप होम्योपैथी दवाइयां जो सर्वाइकल पेन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब मैं बात करूंगा इन दवाओं को लेना कैसे है, कितनी डोज में लेना है और कितने टाइम तक आपको इस दवा को लेना है। दोस्तों इन सभी दवाओं को आप 30 पाउड में एक बूंद सुबह एक बूंद शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा कप गुनगुने पानी के अंदर आप ले सकते हैं। दोस्तों इन दवाओं को आप 7 दिन तक लगातार ले सकते हैं। अगर 7 दिन में आपको आराम न लगे तो आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से ही अपने सर्वाइकल का इलाज करें, क्योंकि होम्योपैथी इलाज लक्षणों के आधार पर होता है और एक ही बीमारी के लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से ही आप अपना ट्रीटमेंट करें। दोस्तों अगर ये मेडिसिन आपको लेनी है तो यह दवा आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर से इजीली मिल जाएगी। अगर आप इन दवाइयों को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इस दवा को बाय कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपको नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी कंप्लेंट के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।